हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लियो एकेडमी वंस अगेन। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। उनका नाम मुस्कान है। यूट्यूब पर उनकी भी अपनी एक चैनल है द पेन शेयर्ड के नाम से। बहुत ही अच्छी पोएम वो लिखती हैं और बहुत ही अच्छी आवाज़ में वो बोलती भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए और उनकी पोएम्स को देखिए, सुनिए, समझिए और अपने फीलिंग को उनके साथ डिस्कस करिए, उनके साथ बातचीत करिए। मैं उनकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो उनको आप प्रेस करिए, उनको उनके पोएम्स को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी पोयम है, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा पूरी तरह से। तो ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर उस YouTube चैनल को देखेंगे। उसका नाम है द पेन शेयर्ड। आप लिंक में जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस पर ज़रूर जाइएगा और एक बार देखिएगा। मेरे रिक्वेस्ट पर आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर चलता हूँ। लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को 11th का रिवाइज सिलेबस बताया था, उस वीडियो में बताया था कि एक रीडिंग का जो पार्ट है उसमें नोट मेकिंग करके भी एक क्वेश्चंस आते हैं। नोट मेकिंग का पैसेज क्लास 11th वाले, आज आप लोगों के लिए ये खास वीडियो है। तो नोट मेकिंग का जो पैसेज है वो आपके लिए पूरी तरह से न्यू है, पूरी तरह से नया है। इसके बारे में आपने क्लास प्रीवियस क्लासेस में किसी भी तरह की स्टडी नहीं की है, या अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है, अभी तक किसी भी वीडियो में आप पैसेज के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। मैं आज आपको एक पैसेज भी दिखाऊंगा और उस पर किस तरह से नोट्स बनाते हैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये नोट मेकिंग है क्या। नोट मेकिंग एक बड़े से पैसेज को छोटे से में कन्वर्ट कर देने का एक तरीका है। जैसे कि बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे भीड़ हो, या एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें हों, तो हम सबको एक साथ डिस्क्राइब नहीं करते। हम उनमें से थोड़ी सी चीज़ निकाल लेते हैं और उनको उनके कलर के अकॉर्डिंग, उसको उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं। तो नोट मेकिंग भी ऐसा ही कुछ है। नोट मेकिंग एक बड़े से पैसेज को छोटे छोटे हेडलाइंस में, छोटे छोटे नोटिस में, छोटे छोटे नोट्स में बता देने का एक तरीका है, जिसको कि पढ़ करके, ये सिर्फ नोट्स पढ़ करके आप ये पता लगा लेंगे कि पूरे पैसेज में क्या कहा गया है। तो यही है नोट मेकिंग। तो चलिए देखते हैं। नोट मेकिंग आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स में आता है। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, जो 8 मार्क्स का पैटर्न होगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 5 मार्क्स में होगा, जिसमें आपको आपके पैसेज का एक टाइटल लिखना होगा। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद आपको नोट्स लिखने होंगे, ये कैसे लिखना है मैं भी बताता हूँ। और उसके बाद कुछ कीवर्ड्स लिखने होंगे। कीवर्ड्स भी आपके लिए थोड़ा नया है, पुरानी ही चीज़ है लेकिन ये नए तरीके से। कीवर्ड इज़ एज सिमिलर टू एज एब्रिविएशन। जिस तरह से आप एब्रिविएशन देखते हैं उसी तरह से कीवर्ड्स लिखने होते हैं। इन सब का तरीका मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में बताऊँगा। और उसके बाद फिर लास्ट में आपको लिखनी है समरी। तो पार्ट ए 5 मार्क्स में होगा और पार्ट बी 3 मार्क्स में होंगे, तो टोटल मिला जुला करके आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर इसको हमें बनाना कैसे है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको टाइटल लिखना है पैसेज पढ़ करके। अभी एक पैसेज हम लोग लेंगे और देखेंगे कि उसका टाइटल क्या है। तो पैसेज पढ़ के सबसे पहले एक सुंदर सी उसकी एक टाइटल दे दीजिए। टाइटल के बाद हम बात करते हैं नोट्स की। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होगा। अभी हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, फिर जब पैसेज हमारे सामने आ जाएगा तो उस पैसेज पर हम लोग नोट तैयार करेंगे, ठीक है। तो नोट मेकिंग में देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आप अच्छा एक बात और इसमें समझिएगा कि ये जो पूरा है ये आपको 5 मार्क्स में देना है, जिसमें 1 मार्क आपका टाइटल में चला गया, 2 मार्क्स आपको नोट्स पर मिलेंगे। तो 2 मार्क्स का मतलब आपको 3 नोट्स या 4 नोट्स, इससे ज़्यादा नोट्स आप नहीं बनाएंगे। अब सपोज़ करिए कि आपके सामने 4 पैराग्राफ्स हैं, तो 4 पैराग्राफ से हर एक पैराग्राफ से एक एक नोट्स आप बना लेंगे। तो इस तरह से आपकी 4 नोट्स तैयार हो जाएंगे। और अगर 6 पैराग्राफ्स हैं तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, दैट मीन्स एटलीस्ट 3 नोट्स और मैक्सिमम 4 नोट्स आपको तैयार करने हैं, ओके।
अब कैसे बनाना है देखिए, तो सपोज करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, तो फर्स्ट पैराग्राफ से फर्स्ट हम नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ का थीम जिस पर बेस्ड है उस फर्स्ट पैराग्राफ की एक आप हेडिंग चूज कर लीजिए। इसको, इस हेडिंग को हम मेन हेडिंग बोलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का जो मेन हेडिंग है, फर्स्ट पैराग्राफ किस थीम पर बेस्ड है, क्या उसमें बताया गया है, तो आप उसकी एक मेन हेडिंग लिख लीजिए। मेन हेडिंग के बाद क्या करते हैं, ठीक इसके नीचे आपको ऐसे फर्स्ट नंबर और ए, या रोमन नंबर में आप भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिखनी है सब हेडिंग। दैट मीन्स फर्स्ट हेडिंग का जो भी थीम है उस फर्स्ट हेडिंग के अंदर आप कौन सी हेडिंग लिखेंगे। जैसे कि फादर के नीचे उसका बेटा होता है, उसी तरीके से हेडिंग के नीचे सब हेडिंग होती है। दैट मीन्स एक पैराग्राफ है उसकी आप जो भी हेडिंग रखते हैं उस हेडिंग से रिलेटेड जो भी बात आपके नीचे पैराग्राफ में बताई गई है उसको हम सब हेडिंग बोलेंगे। तो उसको छोटा छोटा करके, उसको कीवर्ड्स दे करके, उसको हेडिंग दे करके आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इसमें तीन हेडिंग आप मिनिमम रखिएगा और फोर सब हेडिंग, तीन सब हेडिंग मिनिमम रहेगी या फोर सब हेडिंग मैक्सिमम रहेगी, और इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। अब ये बी हो जाएगा सब हेडिंग, फिर बी सी डी, इस तरह से करके आप सब हेडिंग लिख सकते हैं। अब एक चीज और होती है, इस सब हेडिंग के अंदर भी आप हेडिंग्स लिख सकते हैं। तो उसको अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि बी में है, मान लीजिए बी में आपको सब हेडिंग लिखनी है, तो आप इसको ऐसे बना करके लिखिए। अगर रोमन नंबर में आपने नहीं लिखा है तो आप इसको ऐसे बना करके लिखिए, ये सब हेडिंग हो जाएगी, सब हेडिंग, यानी कि उस हेडिंग के अंदर भी एक हेडिंग। अब सपोज करिए कि कोई ऐसा पैराग्राफ है हमारे पास जिसके बारे में, जिसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, तो वाटर रिसोर्सेज हमारा मेन हेडिंग हो गया। अब ये वाटर रिसोर्सेज, वाटर के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ये फर्स्ट में दिया गया है। सपोज करिए दिया गया है रिवर लिया हुआ है कि रिवर भी एक वाटर का रिसोर्स है। अब रिवर की वैरायटी उसमें बताई गई है कि किस किस तरह से हम उस नदी से पानी निकाल सकते हैं, तो वो सब हेडिंग में आप डाल देंगे। वाटर रिसोर्सेज आपकी मेन हेडिंग हो गई, फिर सब हेडिंग में आप रिवर्स लिख दिए, बाय द वे ऑफ रिवर्स। अब रिवर्स में किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो वो सब हेडिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से आप करके आपने जैसे कि फर्स्ट हेडिंग बना लिया, अब सेकेंड पैराग्राफ से फिर सेकेंड हेडिंग बनाएंगे, फिर इसकी आप सब हेडिंग बनाएंगे, इस तरह से, और फिर इसके अंदर अगर कुछ होगा तो आप सब हेडिंग इस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नोट्स, मिनिमम 3 बनाने हैं, मैक्सिमम 4 बनाने हैं। इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पे 2 ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, 2 मार्क्स मिलना है, तो बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। तो 1, 2 फिर 3 और 4 ऐसे करके आप इसको बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम, तो हमारा टाइटल हो गया और नोट्स हो गया, अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स लाइक एन एब्रिविएशन, जैसे कि आपको कहीं पर एग्जाम्पल लिखना होता है तो हम उसको EX लिख देते हैं। ये जो EX है ये इस एग्जाम्पल का एब्रिविएशन है जिसको यहाँ पर की बोला जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है तो उस एक्सप्लेनेशन को आपने EXP लिख दिया, इसी को बोलते हैं एब्रिविएशन। इसका यूज आपको करना है आपके पैराग्राफ में, ये जो सब हेडिंग बना रहे हैं उसमें। तो जब सब हेडिंग आप बनाएंगे तो ही ध्यान रखेंगे कि आपको वो वर्ड एब्रिविएट करना है। अब जैसे कि आपने यहाँ बनाया कि बाय द वे ऑफ रिवर, तो ये तो पहले ही बहुत छोटा सा है, इसमें हम कोई हेडिंग, कोई एब्रिविएशन नहीं बना सकते। मान लीजिए कि कोई आपके पास लाइन है कि एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, तो एक्सपीरियंस को आपने यहीं पर शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सब हेडिंग में ही कोई की बना लेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स को की में बना देंगे। एक
हेडिंग में, एक मेन हेडिंग में एक एब्रिविएशन आप रखेंगे, फोर टोटल आपको एब्रिविएशन बनाने हैं, क्योंकि इस पर वन मार्क्स मिलेगा इसलिए फोर एब्रिविएशन बनाइएगा। और जब ये एब्रिविएशन आप हर मेन हेडिंग में बना लेंगे तो आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, बॉक्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, इसमें आप लिख देंगे की टू एब्रिविएशन, की टू एब्रिविएशन लगा करके जो भी कीवर्ड्स आपने तैयार किए हैं वहां पर, जैसे कि हमने एग्जांपल का तैयार किया है ex, तो ex लिखा, ex के साथ डॉट लगाया, और इसका फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे। इसका फुल फॉर्म लिखने से बहुत बेनिफिट मिलती है कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी पता चल जाएगा कि जो आपने शॉर्ट किया है, जो एब्रिविएट किया है, उसका फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है कि वो उनके अकॉर्डिंग उसका कोई और फुल फॉर्म हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए एब्रिविएशन, एब्रिविएटेड वर्ड लिख करके आप उसका फुल फॉर्म भी लिख देंगे। तो इस तरह से ये की नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा, की टू एब्रिविएशन भी तैयार हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे ये बनाना है। थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि जब तक हमारे सामने पैराग्राफ नहीं होगा हम इसको बिल्कुल भी बना नहीं सकते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट अब हम लोग पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। तो ये आपने पार्ट ए कर लिया, पार्ट ए में टाइटल बना लिया, नोट्स बना लिया और कीवर्ड्स बना लिए। अब पार्ट बी में क्या करना है, पार्ट बी में आपको समरी तैयार करनी है, और समरी तैयार करना बहुत आसान है, बहुत पहले से क्लास 8 से ही हम लोग ये करते चले आ रहे हैं। जो भी पैराग्राफ आपके सामने है उसे आप पढ़िए, अपने लैंग्वेज में आप उसकी छोटी सी समरी तैयार करके नीचे लिख दीजिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर आपको समरी नहीं समझ में आ रही है तो सारे पैराग्राफ्स पढ़िए, सारे पैराग्राफ पढ़ करके उन्हीं के कुछ लाइंस को, कुछ मेन सेंटेंसेस को आप कॉपी कर सकते हैं अपनी समरी में। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने ये जो नोट्स तैयार किया है, इसी नोट्स को, जो हेडिंग्स तैयार की है इसी नोट्स को फुल सेंटेंस बना करके, एक खूबसूरत सा छोटा सा पैराग्राफ बना करके आप अपने समरी में लिख देंगे। तो इस तरह से 5 और 3 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो नोट मेकिंग में ज़्यादातर पूरे नंबर मिल जाते हैं अगर इसका फॉर्मेट सही से बनाया जाए, अगर इन सब चीज़ों पे छोटा छोटा, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो इसको बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। तो ठीक है, आपको इसका फॉर्मेट आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वापस वीडियो को वापस जाइए, रिवाइंड करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आपके पास बचती है तो आपको पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिखना है और मुझसे पूछना है कि आखिर प्रॉब्लम आपको कहां पर है। ओके, अब हम लोग इस पर एग्जांपल देखेंगे। एक पैसेज आपके सामने मैं दूंगा, यहां साइड में कॉर्नर में, आप उसको देखिए, पढ़िए, मैं साथ में उसको रीड करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग उस पर नोट मेकिंग तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पैराग्राफ मैं रखता हूँ। तो चलिए आइए, आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से उसको देखिएगा। द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल बिल्ट अराउंड 1268 AD बाई द होयसालाज ऑफ कर्नाटका, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स। बेल्यूर एंड हेलीबिड आर अमंग देयर बेटर नोन वर्क्स। While these suffered during the invasions of the 14th century, the Somnathpur temple stands more or less intact in near original condition. This small temple captivates the beauty and vitality of its detailed sculpture, covering almost every inch of the walls, pillars and even ceilings. It has 3 sikars and stands on a star-shaped raised platform with 24 edges. The outer walls have a profusion of detailed carvings. The entire surface run over by carved plaques of stones. There were vertical panels covered by equicide figures of gods and goddesses with many incarnations being depicted. तो ये मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा 2 पैराग्राफ का एक पैसेज एग्जाम्पल में लिया हुआ है। अब इस पर हम लोग नोट मेकिंग तैयार करेंगे। तो नोट मेकिंग के लिए मुझे इस पैसेज को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपको जहाँ पर दिक्कत होगी आप एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस पर नोट मेकिंग कैसे तैयार होगी। तो पहले हम लोग इस पर टाइटल बनाएंगे। तो जैसा कि इस पैसेज में दिया हुआ है, ये विलेज ऑफ सोमनाथपुर के बारे में
टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका टाइटल हम टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर ले लेंगे। ठीक है, अब नोट्स के बारे में बात करते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स और कीवर्ड्स मैं साथ में लेके चलूँगा। तो फर्स्ट पैसेज में बताया गया है कि ये एक विलेज टेम्पल है, तो ये हमारी जो विलेज टेम्पल है ये हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी। द विलेज टेम्पल को हमने अपनी मेन हेडिंग बना ली। अब इस विलेज टेम्पल में के बारे में बताया गया कि ये सोमनाथपुर के विलेज में, सोमनाथपुर के गांव में बना है, तो ये मेन हेडिंग का सब हेडिंग हो गया। फिर बताया गया उसी पैसेज में कि ये 1268 एडी में बना है होया सालास के थ्रू, तो हमने उसको लिख दिया। फिर बताया कि मोस्ट प्रोलिफिक बिल्डर्स ने इसको बनाया। अब देखिए, बिल्डर्स को हमने ऐसे एब्रिविएट कर दिया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्डर्स को यहाँ पर एब्रिविएट कर दिया गया है। फिर इसमें लिखा स्टैंड्स इंटैक्ट इवन नाउ, यानी कि आज भी वो ऐसे ही खड़ा है। तो ये सारी जो बातें हुई हैं ये इस मेन हेडिंग के अंदर हुई हैं कि जो गांव का टेंपल है वो इस तरह से अभी भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का बना। अब सेकंड में देखिए, टेंपल के बारे में बताया गया, उसकी ब्यूटी और उसकी वाइटलिटी के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम लोगों ने मेन हेडिंग बना लिया। इसके बाद इस मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बनाई गई, इसके बारे में बताया गया, इसके डिटेल्ड स्कल्पचर को दिखाया गया है जो कि वॉल्स को, पिलर्स को, सीलिंग्स को कवर करता है। ठीक है, फिर सीरीज ऑफ फ्रिजेस हैं आउटर वॉल्स पर, ये उसकी खासियत बताई गई, ब्यूटी बताई गई। और फिर बताया गया कि वर्टिकल पैनल्स लगे हुए हैं कवर्ड बाय, ये देखिए, अब इसको एब्रिविएट किया गया, अब इसको एब्रिविएट किया गया। आप पैराग्राफ में देखेंगे तो इसका मतलब एक्विसाइट है, इसका मतलब फिगर है, तो इन दोनों वर्ड को हमने एब्रिविएट कर दिया। तो इस तरह से मेन हेडिंग के अंदर हमने सब हेडिंग बना दी। तो जो आप सब हेडिंग बनाएंगे वो आपके मेन हेडिंग से मैच करती हुई होनी चाहिए। ओके, अब की टू एब्रिविएशन का एक छोटा सा कॉलम बना लेंगे। तो जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं उन कीवर्ड्स को इधर साइड में लिख करके उसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो इस तरह से ये नोट मेकिंग आपकी तैयार हो जाएगी। ये एक छोटे से पैराग्राफ का हमने बनाया है, एक बड़ा पैराग्राफ आएगा, तो आप बड़े पैराग्राफ का हमने यहाँ पर देखिए टू लिया है, टू पैराग्राफ्स हमारे सामने हैं, आपके पास बड़ा पैराग्राफ आएगा, आप बड़े पैराग्राफ से ज़्यादा नोट्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसकी नोट्स तैयार होगी और लास्ट में इसकी हम समरी बना देंगे। समरी बताना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नया है तो आप इसकी प्रैक्टिस दो तीन पैसेज, चार पैसेज जब तक आप नोट मेकिंग के सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट मेकिंग आप तैयार करिए, नोट मेकिंग सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करिए, तो ही ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर एक बार क्लियर हो गया, आई प्रॉमिस आपको आने वाले एग्जाम में, अभी हाफ ईयरली आने वाले या फिर कुछ दिन के बाद एनुअल आएगा, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 4 नोट मेकिंग के पैसेज को सॉल्व कर जाइए, आपको आने वाले एग्जाम में 8 के 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब आपने किया है, अगर नए हैं तो आपको बताइए क्या करना है, मुझे तो बताना नहीं है कुछ। और अगर आपके दोस्त हैं कोई क्लास 11th में, आपका कोई फ्रेंड है जिसको अभी तक नोट मेकिंग का कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, तो उसको आप सेंड कर सकते हैं, उसको भी मेरे इस वीडियो से काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।